दस बिदानियाँ। तो भैया अभी यहाँ से निकल गया हूँ मैं, थोड़ा जल्दी आ गया बाहर। मौसम आज काफ़ी अच्छा, कल बहुत बुरा मौसम था, पूरा क्या पूरा दिन बारिश हो रही थी यार, पूरे दिन बारिश हुई। कल वो रशियन पानिया में गया, ब्रिज ओपनिंग जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है यहाँ पे, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ब्रिज का ओपनिंग जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल के लिए, 10 अप्रैल से। और राइट नाउ विंटर टाइम में ये बंद होता है, राइट नाउ विंटर टाइम में जो ब्रिज ओपनिंग है वो बंद होते हैं क्योंकि जो नीवा रिवर है वो फ्रोजन होती है और वहाँ से शिप पासिंग नहीं होती है, वो देखने लायक है सेंट पीटर्सबर्ग में भी। अभी मैंने यहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा, मेट्रो से रेलवे स्टेशन जाऊँगा और रेलवे स्टेशन से मॉस्को वापस जा रहा हूँ। मॉस्को आज मुझे अपने एक मित्र हैं उनके पास रहना है, रुकना है यहाँ। हाँ भाई, टेम्परेचर है अराउंड 5 से 6 डिग्री, ठंड है। हाँ धूप निकली हुई है पर ठंड है, टेम्परेचर 5 डिग्री है। आज सबसन जो ट्रेन थी इनकी सुपरफास्ट, उससे नहीं जा रहा हूँ आज, मैं नॉर्मल ट्रेन से जा रहा हूँ। और उसमें और नॉर्मल ट्रेन में लगभग फर्क है 5-6 सौ का, सेम टाइमिंग है दूसरी ट्रेन की भी। तो वो उसका उस ट्रेन के बारे में मैं अंदर आपको ट्रेन में अंदर जाके दिखाऊंगा क्या डिफरेंट है सबसन और नॉर्मल ट्रेन में, जो दूसरी उसकी जो नॉर्मल ट्रेन थी। और यार रेट का काफ़ी डिफरेंट है। हाँ भाई, सेंट पीटर्सबर्ग में देखने के लायक बहुत कुछ है, समर पैलेस, विंटर पैलेस, बहुत से अपने स्मारक, पार्क, पर टाइम नहीं था मेरे पास इतना, इसलिए बहुत कुछ नहीं दिखा पाया आपको इस वीडियो में मैं। पर मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा, अगर आ रहे हो आप सेंट पीटर्सबर्ग तो यार समर टाइम में ही आना, विंटर टाइम में मत आना। मतलब आप 15-20 अप्रैल के बाद आ सकते हो, 20 या 22 अप्रैल के बाद आओ तो और अच्छा है, क्योंकि यार वेदर अच्छा हो जाता है उस टाइम। विंटर टाइम में होता क्या है, एक तो ठंड, ऊपर से बारिश। इवन आप मई अप्रैल मई में भी आओगे तो भी बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेदर है अपना सेंट पीटर्सबर्ग का वो कुछ ऐसा ही है कि भाई हर टाइम बारिश हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है, वैसा है भाई। फाइनली ट्रेन पकड़ी है, बस छूटने ही वाली थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और सबसन के बदले ये वाली ट्रेन ली है। टाइमिंग सेम है इस ट्रेन की भी और सबसन की भी, बस फ़र्क इतना है कि वो थोड़ी तो नहीं, यहाँ 600-700 रुपये एक्सपेंसिव थी और ये वाली जो है ये 600-700 रुपये चीपर है। सबसन में थोड़ा सा ये था कि सीट थोड़ी सी बड़ी थी और इसमें थोड़ी सी छोटी है, बट ये अच्छी ट्रेन है, काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये। मतलब सीटें काफ़ी बड़ी हैं, सामान रखने के लिए, मतलब लैगेज लुगेज के लिए सबसन से ये अच्छी लगी मेरे को। तो जा रहा हूँ अभी मॉस्को, अभी एक टीटी, हम जो टिकट चेकर बोलते हैं वैसे ही कोई आई हुई है, तो बता रहे हैं कि भैया चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, साथ में पानी फ्री दिया इन्होंने, ये अच्छा रहा, पानी फ्री था और कुछ के ब्रेड हैं वो भी फ्री थे। चेक किया पासपोर्ट, और मतलब सिर्फ पासपोर्ट ही चेक किया क्योंकि जो पासपोर्ट का स्कैन था उसी में टिकट थी, टिकट तो चेक की ही नहीं इन्होंने। हाँ बस पासपोर्ट एक बार टिक किया, इनकी छोटी सी मशीन है ऐसे, और उसके बाद हाँ अभी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हो सकता है मेरा ज़्यादा हो। टेम्परेचर चेक कर लिया इन्होंने, इसी किट मिली मेरे को, इसके अंदर ट्रेन का है,
गिफ्ट ही समझ लो क्या क्या है। और जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ, सैंडल जो ट्रेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं हमें, अच्छे हैं वैसे यार, इतने लो कैटेगरी के नहीं है। मैंने एक जगह लिए थे 200 रुपये के, मतलब कमरे के अंदर यूज़ करने के लिए, उससे अच्छी क्वालिटी है सैंडल की। मस्त स्लिपिंग, ये काम आएगा बाद में, मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है भैया, ये चीज़ें होती हैं, मैंने इंडिया में तो नहीं देखी। हाँ रशिया में बहुत जगह देखी, ये होती हैं अपनी शूज़ को निकालने के लिए। एज यूजुअल सैनिटाइजर अपनी बार, हेडफोन पीछे देख रहे हैं, टीवी चला हुआ है, कुछ एक वीडियो होंगी वो वीडियो लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। हाँ इंटरटेनमेंट के लिए ठीक था, सबसे अच्छी लगी मुझे इंटरटेनमेंट के लिए। हाँ ये टीटी महोदय हैं जो हमारा टिकट चेक करती हैं, हर डिब्बे में एक एक होंगे। हाँ भैया ये है निविस्की एक्सप्रेस, बेटर देन सबसन, दोनों देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है बट हाँ अच्छी है ये भी, कुछ ऐसी दिख रही है। वही जलपान कर सकते हैं आप, कुछ एक चीज़ें फ्री दी है उन्होंने, बाकी कुछ एक चीज़ें जैसे जलपान कर सकते हैं। और ये दो टॉयलेट आ गए, सिंपल है, इस तरीके का टॉयलेट है, छोटा है पर साफ सुथरा है, दूसरे कंपार्टमेंट को जाना है, यहाँ से खोलेंगे। हो जा सिंह से हो जाएगा, अब मुझे जाना नहीं है। दूसरी बात, इंडिया के डोर के जैसे नहीं है, जैसे इंडियन की ट्रेन की जो डोर होते हैं वो खुले रहते हैं, सब वैसे नहीं है, बंद ही रहते हैं। भैया ये जो प्राइस है, अंदर भी मैं मना किया वीडियो बनाने के लिए, मेरे से धो रहे थे कुछ, इसके लिए नहीं बताना चाहते थे। स्प्राइट फैंटा का प्राइस है यहाँ पे $85 कर लो या रूबर, सॉरी 85 रुपीस बोलो या रूबर बोलो, एक ही है। पानी का प्राइस है जस्ट वीडियो, इट्स फॉर वीडियो, वीडियो यूट्यूब, यूट्यूब आई सो प्राइस नॉर्मल ना, नो प्रॉब्लम, आई नो मेन्यू वो पता नहीं कहाँ लेके जाती है। दूसरी जगह लेके आई थी तो वहाँ पे बताएं, मैं ये बता रहा था यार जो स्प्राइट फैंटा का प्राइस है वो है 85 और 90 के बीच, ले सकते हो। पानी 60 रुपये के है पर वो हाफ लीटर, एक लीटर का होगा या हाफ लीटर का होगा कुछ ऐसा है। और मैं सोविनियर के बारे में बोल रहा था, और ये है कुछ सोविनियर जो रशियन ट्रेन में चले होते हैं, ये आ गई भैया इनकी जो मेट्रो की थी, ये फ्रेश कार्ड, हाँ फ्रेश कार्ड कार्ड, हाँ तो मैम लिया, ये सारे कार्ड हैं जो भी हैं सारे दिखा रहे हैं, मैंने लेने एक नहीं और कमांडर ये बोलते हुए कमांडर था रशिया का, उसके उसके लिए है। और माय यूट्यूब
पानी का है और कुछ सविनियर है, चिप्स वगैरह ले सकते हैं आप। मैगी 80 रुपए की मैगी मिलेगी आपको, रशियन की मैगी है वो वाली। और कुछ ना कुछ अब उल्टी चल पड़ते हैं मेरे साथ, अब लेके जा रही खा के लाई भैया। भाई चाय लेने जा रहा हूँ मैं। वाशा चेयर इसलिए रखी है, इन चेयर लगी हुई है क्योंकि ये डे का है, 4-5 घंटे का रन है, तो इसलिए कुर्सी बहन है, चेयर बहन कर सकते हैं। तो भाई कुछ इस तरह से मिलेगी आपको, अगर चाय पीने ज़्यादातर काली चाय मिलेगी, दूध वाली चाय नहीं मिलती है, मसाला टी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, काली चाय मिलेगी, या काली या ग्रीन टी, दो में से एक चाय मिलेगी। एक सविनियर टाइप में भी ले जा सकते हैं, मैं पूछ रहा था कि कितने का है, उन्होंने मेरे को बताया पहले 1200 का एक बताया और एक ऐसे ही गोल्डन प्रिंट में था, वो लगभग लगभग 3700 को बता रहे थे। वैसे अच्छा है देखने में, पर आप इसे ले नहीं जा सकते हैं, ये पकड़ने के लिए है, और ये जो कप है ये है उसका, किसका कांच का कप है, ग्रीन टी ली है 60 रुपये की पड़ी। हाँ तो भाई पहुँचने ही वाला हूँ मॉस्को में, कुछ बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। इस ट्रेन और जो दूसरी ट्रेन है दोनों ने लगभग लगभग एक सेम सा टाइम है, कुछ 10-15 मिनट का फर्क है, पहुँच गया, काफ़ी अच्छा सफ़र था। मॉस्को में मुझे अपने दोस्त से मिलना है, वो मुझे मिलेंगे मेट्रो में, यहाँ से मॉस्को जो स्टेशन है वहाँ से मेट्रो 5-7 में ही है, मेट्रो पकड़ूँगा फिर दूसरे मेट्रो में पहुँचूँगा और फिर उससे मिलूँगा, फिर उसके घर जाऊँगा आज, उसका घर काफ़ी अच्छा है। तो ये था सफ़र। इस ट्रेन की टिकट आप कहाँ से लें, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। भाई मॉस्को में पहुंच गया हूं, मौसम फिर से ख़राब हो गया है, सेंट पीटर्सबर्ग में मौसम अच्छा था, मॉस्को में अच्छा नहीं था, नहीं है सॉरी, मॉस्को में अच्छा नहीं है। ये रही ट्रेन, इस ट्रेन में मैं आया था, अच्छी ट्रेन थी। अब साथ साथ में ही मेट्रो भी है, अभी मैं जा रहा हूं मेट्रो,